ऐसे संत वंदनी होते हैं, समाज के भय से, समाज के कड़वेपन से जो घबरा न जाए, अपनी साधना पर जो टिका रहे, ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने वंदन के योग्य माना। और साधु चरित शुभ चरित कपासु कहकर ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। और संतों की वंदना के बाद बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। भाई कलयुग है, हाँ, साधु को राम राम न करो तब भी चल जाता है, साधु है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज समय ऐसा है ना कि न चाहते हुए भी दुष्टों को भी राम राम करना पड़ता है, इसलिए बाबा तुलसी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया कि उनकी भी कृपा बनी रहे रामायण में। हाँ, बंदौ संत असज्जन चरणा, असज्जनों को भी प्रणाम किया, बंदौ खल जस से ससरोसा, इस तरह से बाबा तुलसी ने सबको प्रणाम किया। और दिल नहीं माना तो एक साथ समस्त विश्व को, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु सारे संसार को राम सीतामय मानकर बाबा तुलसी कहते हैं एक साथ में सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। संसार की सभी माताओं को सीता रूप मानकर और सभी पुरुषों को राम रूप मानकर एक साथ बाबा तुलसी कहते हैं मैं सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर शिव को वंदन करके बाबा तुलसी ने रामायण लिखना शुरू किया था।